नाजीन 21वीं सदी के इस तरक्की याफ्ता दौर में भी वनी की जाहिलाना रस्म जारी है, जिसके तहत 3 साल मासूम बच्ची की जबरदस्ती शादी की कोशिश की गई है। आइए इस हवाले से देखते हैं मीरपुर खास से वनवर्ल्ड के नुमाइंदे असलम राजपूत की ये रिपोर्ट। मीरपुर खास समेत अंदरून सिंध जालमाना और फरसुदा रस्म रिवाज की जड़ें इंतहाई मजबूत हैं। इनमें वनी की रस्म भी शामिल है। मीरपुर खास जिले के तालुका सिंधरी के गांव अतना मोरी के रहायशी राहब शर ने बताया गांपो माना मुझे छोकरी जाई उन्होंने दो कपड़ो कपड़े गांपो साल खन तरसी उन्होंने जे हाणा सा के निकाल आऊं जी दे हाणे जेडी माशियो मा उन्हें जे करे निकाल आऊं किथा जी दे सका दो। के इलाके का एक बासर जमींदार अपने 3 साल नवासी की शादी उसके 3 साल बेटी सलीमत से फौरी तौर पर जबरदस्ती कराना चाहता है, जिसके लिए मस्कुरा जमींदार उस पर दबाव डाल रहा है कि वो फौरी तौर पर अपनी 3 साल बेटी की शादी करे। बच्ची के ताया मुरीद शर ने बताया डीपी साहब का लिखा है थाने देने दे थाने दे पुलिस से को बहल ने को पुलिस भी नु धमकी दे दी रही पोने आया से प्रेस क्लब में। वाकई से मुतालिक तहकीकाती अफसर ईडीओ रेवेन्यू अली अहमद बलोच ने बताया मैं खुद वहाँ पे गया हूँ, उस बच्ची को मैंने गोद में उठाया। असल में हमारे गोठ गाँव में एक रीत रस्म चली आ रही है अरसे से जो कि गलत है। होता ऐसा है कि अगर एक ही खानदान के दो बंदे आपस में रिश्तेदारी करते हैं, कोई बड़ी बच्ची अपने भाई या रिश्तेदार को देते हैं तो उसके बदले वो उसे कहते हैं कि एक के बदले हम दो लेंगे। एक्चुअली उसके पास वो तैयार रिश्ता होता नहीं है, यानी बड़ी बच्ची होती नहीं है। फिर वो सिंधी में कहते हैं कि पेट लिखी दिया तो वो पेट लिख के देते हैं कि जो बच्ची हम ब्याह के आपको दे रहे हैं इसी से पैदा है तो वो भी अपने नाम करवा लेते हैं। तो ये भी इसी तरह का एक केस था। जरूरत इस अम्र की है कि फरसुदा और जालमाना रस्म रिवाज के खात्मे के लिए सख्त कानून साजी करके इस पर अमल दरामद कराया जाए। मोहम्मद असलम राजपूत, ARY वनवर्ल्ड, मीरपुर खास।